last one. मैं सीधे सीधे डॉक्टर जयनारायण व्यास साहब के पास आ रहा हूँ। डॉक्टर व्यास, आपके लिए आपको बधाई और बहुत बड़ी जीत आप लोगों ने वो की, क्योंकि सारे अनुमान के साथ भी लोगों के मन में एक आशंका थी कि भाई मालूम नहीं मोदी है तो मुमकिन है वाली बात थी। हमारे किसी एक सीनियर पैनलिस्ट ने एक दिन कहा, उस दिन कहा था कि इट वॉज अ मैटर ऑफ रिलीफ। उन्होंने कहा था कि भाई मेरा किसी नहीं, लेकिन देश ने राहत की सांस ली जब कांग्रेस जीती। तो डॉक्टर व्यास, मैं शुरू आप ही से कर रहा हूं। कर्नाटक में ये बहस जो इतनी कस के चलाई जा रही है कि डीके कुमार की सीधारामैया, भाई किसी भी पार्टी का इंटरनल मैटर है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी बन सकता है। और लेकिन जहां तक मेरा है कि शायद अंत में सीधारामैया ही साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि शायद पॉलिटिकली वो भी एक बड़ा चेहरा है और उनका वो एज में बहुत सीनियर है। डॉक्टर व्यास, पहले तो आपकी एक टिप्पणी कर्नाटका जीत पे और आने वाले समय में किस तरह से कांग्रेस के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं। डॉक्टर व्यास अनम्यूट कर लीजिएगा, भाई साहब अनम्यूट कर लीजिएगा। आपने जो बधाई दी मैं बिल्कुल नम्रतापूर्वक उसका स्वीकार करता हूं, मगर सिर्फ ये कांग्रेस वालों के लिए ही नहीं, मैं समझता हूं पूरे देश के लिए एक राहत की नौबत है, राहत की घड़ी है। क्योंकि अगर यहाँ कर्नाटक में मोदी सफल हुए होते तो फिर यू वुड हैव बीन अनस्टॉपेबल। तो ये मैं मानता हूं कि सही समय पे कर्नाटक ने सही निर्णय लेके सही जवाब दिया है। वो न सिर्फ कांग्रेस के लिए सही है, मगर पूरे देश के जो लोग लोकशाही में मानते हैं, जो लोग फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह जो मानते हैं, उन सब लोगों के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट है। और आई थिंक लेट द एंटायर नेशन बी कंग्रेचुलेटेड फॉर द विजडम दैट द कर्नाटका हैज शोन। ये मैं मानता हूं आरएन जी इस बारे में। ये इस चुनाव के बाद जो उनका प्रश्न था मैं उसको आगे बढ़ा दूं क्या? एक तो गुजरात के लिए वरिड थे, गुजरात के, और आपसे चाहते हैं कि आप वहां से चुनाव लड़े, इसको और आगे कर दें। क्या बाकी राज्यों में भी अब कुछ कठोर या अच्छे निर्णय लिए जाएंगे संगठन को चाक चौबंद करने के लिए? सबकी नजर राजस्थान में, उम्मीद आप लोगों को क्या लग रही है कि अब खड़गे जी थोड़ा टाइम मिला है तो वो बाकी राज्यों को ठीक करेंगे? नहीं, ये तो चीज है कि खड़गे जी का एक बहुत विशाल एक्सपीरियंस है इनका, और दूसरी बात है कि इससे जो मॉरल बूस्टर की एक हैसियत से अफेक्ट होगी वो सब राज्यों में होगी। तो ये जो घटना कर्नाटक की है, मेरे ख्याल से राजस्थान में भी इसका इम्पैक्ट होगा। और वैसे भी राजस्थान में कोई भाजपा के लिए भी सरल नहीं है, इनके लिए भी प्रॉब्लम है, कांग्रेस के लिए आज भी सरल है मैं कहता हूँ। राजस्थान में एमपी में भी सिंधिया के सामने अभी काफी जमकर विरोध हो रहा है। तो मैं मानता हूँ कि अब विपक्षों को अब इस थोड़ा बहुत कहीं एडजस्ट करके एक होके लड़ना चाहिए। तो ये दिस सिग्नल्स द टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज़ पॉलिटिकल हिस्ट्री, और मोदी के लिए भी मैं मानता हूँ कि ये अब इनका उल्टी गिनती शुरू हुई है। तो मोदी है तो मुमकिन है, ये वो उसमें ज्यादा दम नहीं है, और हेल्थ भी उनकी देखे तो थोड़ी बहुत पहले से कंपैरेटिवली वीक लग रही है। तो ये जो है आनंद जी, ये टर्निंग पॉइंट होगा और होना चाहिए, प्रोवाइडेड बशर्ते सब विपक्ष अपना अपना छोटा मोटा जो इनका खुद का इंटरेस्ट है उसको बाजू में रखे, एक साथ रहे, एक ही लक्ष्य हो कि इनको भगाना है। तो आज भी ये पॉसिबल है, 2024 में भी पॉसिबल होगा। मैं डॉक्टर व्यास आपसे एक चीज और पूछ लूं, ये जो अब अगला एक साल होगा, क्योंकि 2024 से पहले चुनाव भी है, आपको क्या लगता है कि कर्नाटक के जो भी सरकार बन रही है, जो भी उसके चीफ मिनिस्टर हो रहे हैं, उनके लिए भी बहुत मुश्किल, मतलब उनके लिए भी बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि परफॉर्म बहुत ज्यादा करना है। एक तरह से आपको ये वाला माल दिखा के आपको फिर भेजना है कि हम इस तरह की गवर्नेंस करेंगे। आपने जो पांच अपने वो कहे हैं कि भाई प्रोमिसेस कहे हैं कि हम इसको पहली कैबिनेट में पास करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये दिखाना भी है, और खास करके 40% के घूसखोरी वाले एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को
कंट्रोल करना बहुत आसान नहीं होगा, ये आप भी समझते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले उसमें चीफ मिनिस्टर जो भी बनते हैं उनके लिए बहुत चैलेंजेस भी हैं? अनम्यूट कर लीजिएगा डॉक्टर साहब, अनम्यूट कर लीजिएगा। मोदी जी को कोई भी कहां भी इनके बाद आएगा, इस देश को भी रूल करना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सब चीजें इतनी बिगाड़ के रखी है और इतनी संस्थाओं की जो अहमियत थी तोड़ दी है कि कोई भी आएगा आफ्टर मी द डिल्यूज वाला होने वाला है। कई चीजें गलत से भी बाहर लाए हैं वो, जैसे गुजरात की बात आप करते थे, अब गुजरात में अगर केजरीवाल नहीं होते तो 39 सीट्स ऐसी है जहां केजरीवाल और कांग्रेस के वोट्स मिलकर ज्यादा होते हैं बीजेपी से। 20 सीट ऐसी है जहां 5000 से नीचे हारी है कांग्रेस, वहां भी वो जीत सकती थी अगर केजरीवाल नहीं होते। तो ये जो करीब 39 प्लस 20 इसको 17 के साथ आप जोड़ दीजिए तो 76 सीट्स हो गई। तो ये इन्होंने ये मैनेजमेंट ठीक से करके ये इनका खेल बिगाड़ दिया। अगर छोटू वसावा और केजरीवाल के साथ कुछ समझौता होता तो मैं ये समय भी और इसके अगले समय भी मोदी का यह कोई इतना बड़ा जादू चलता है इसी बात नहीं है। ये स्ट्रैटेजिकली एंड टैक्टफुली ये गठबंधन करके उन्होंने जीता है। मगर आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि जो भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे, चूंकि खड़गे जी भी कर्नाटक से है, तो कांग्रेस हाईकमान की कुल मिला के जिम्मेवारी होगी कि कर्नाटक को कम से कम ये एक साल में जो भी उन्होंने प्रॉमिस दिए ऐसे कुछ करके दिखाए जो और जगह पे आप इनको एग्जाम्पल के तौर पे दे सके। 40% की बात आपने सही कही, 40% तो जीरो तो करना शक्य नहीं है। मैं भी सरकार में करीब 20 साल रहा हूँ तो ये तो पॉसिबल नहीं है, मगर अगर 40% का 10% भी होगा है तो लोगों में बड़ी राहत होगी, क्योंकि ऐसा कोई 100% परफेक्शन तो कोई मांगता नहीं है। बाकी की चीजें जो है वो हो सकती है और करनी चाहिए। कांग्रेस को अगर लोगों की पसंदगी में खड़ा उतरना है तो दिस इज ए गोल्डन चांस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी गिवन टू देम, यह कोई रियायत उनके लिए नहीं होगी। तो आपकी ये बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। जी जी, और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि खड़गे जी का सब लोग नाम ले रहे हैं कि खड़गे जी के आने से फायदा हुआ है, खड़गे जी के आने से मजबूती मिली है। दूसरी तरफ बीजेपी में जो उनके अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, वो अपना गृह प्रदेश हार गए, फिर यहाँ आए और उन्होंने बताया कि उन्होंने सारी साम धाम दंड भेद उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान जो है वो 2014 से पहले घुटनों पर चल रहा था, उसको मोदी जी ने चलना सिखाया हम लोगों को। वहां पे एक सीटी रवि साहब हैं जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, ताकतवर नेता हैं और इस तरह की बातें वो भी खूब करते हैं हिंदू मुस्लिम। सीटी रवि साहब अपने गृह प्रदेश में एमएलए का चुनाव हार गए, तो एक तरफ तो जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ये हालत है और दूसरी तरफ बीजेपी वोट के लिए कई राज्यों में देखा है जहां पे वो अपनी कैबिनेट शफल पूरी करती है। गुजरात में तो उसने पूरे सारे मंत्रियों को ड्रॉप करके नए मंत्री को ले आए थे, ये बहुत कॉमन चीज है कि भाई इससे एंटी इनकम्बेंसी जाती है। आपको कोई संभावना दिखाई देती है क्या कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में भी बीजेपी पे चेंज हो सकता है? होना चाहिए। जिस तरह से अभी गडकरी जी बात कर रहे हैं, जिस तरह से और कोई जो नेता लोग है बात कर रहे हैं, अभी तक वो बिल्कुल ढक्कन टाइट हुआ था तो वो कोई बोल नहीं सकता था, अब आहिस्ता आहिस्ता होगा। और आनंद जी, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, कर्नाटक का इलेक्शन ने सिर्फ कर्नाटक का ही नहीं दिया है, कर्नाटक का इलेक्शन ने कांग्रेस को 3 ऐसे लीडर्स दिए जो ऑल इंडिया में कहीं भी आप भेज सकते हो। राहुल जी को भेजो, प्रियंका जी को भेजो या खड़गे जी को भेजो, यहाँ एक सिंगल सिंगल आदमी पे सब चल रहा है, ही इज ऑल्सो ऑन डिक्लाइन, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और गुजरात की बात आप कर रहे हैं तो गुजरात में 26 की 26 सीटें ये समय आने का कोई प्रश्न नहीं उठता, कम से कम 6 सीट तो भाजपा यहाँ गवाएगी और अगर एक होके लड़े तो शायद ज्यादा भी।
ये जो बातें हैं ये उसमें भाजपा में भी मैं मिलता हूँ कई लोगों से जो सीनियर पोजीशन पे, एक बाहर खुल के नहीं बोलते मगर सब लोगों में एक असंतोष तो है कि अपनी मनमानी करते हैं, किसी को सुनते नहीं, किसी का भी इंसल्ट कर देते हैं, स्नब करते हैं। ये सब बातें अभी दबी जबान में होने लगी है, पहले नहीं था ये। तो मैं मानता हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप फेलियर्स इनके बढ़ते जाएंगे तो सतह पे आएगी। और आरएसएस का एक वो बंदर और उसके बच्चे जैसा खेल है, जब तक पानी यहाँ तक आए तब तक बच्चा सिर पे, और पानी यहाँ आ जाए तो बच्चा नीचे बंदर ऊपर। तो ये आरएसएस कब इनको डंप करेगा उसका कोई भरोसा मुझे नहीं है। तो जी मैं जी मिलता हूँ कुछ कुछ समझ कुछ आने वाले समय में पता चलेगा, बट कांग्रेस हैज डेफिनेटली गेन्ड थ्री लीडर्स। जी डॉक्टर राज, चलते चलते एक एक छोटा प्रश्न। अच्छा, इससे पहले मैं अपना एक आकलन बता दूं। सतपाल मलिक साहब ने एक काम तो कर दिया है, ये पुलवामा टाइप पे लोगों का है, पुलवामा टाइप कुछ करेंगे। मुझे लगता है कि अब पुलवामा टाइप नहीं होगा, वो उन्होंने प्रियम्प्ट कर दिया, जैसे उन्होंने सारे ना पत्ते खोल दिए, ये ऐसे ऐसे है। तो अब मेरे ख्याल में पुलवामा टाइप ये सब तो नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर व्यास, एक चीज बताइए, आने वाला समय जिसमें केंद्रीय संस्थाएं जैसे ईडी, सीबीआई, इनका इनका दुरुपयोग जैसे अभी तक किया जा रहा था, वो और बढ़ेगा विपक्षी पार्टियों में, या कोई सद्बुद्धि आएगी और गवर्नेंस के ऊपर ज्यादा काम होगा बीजेपी में? जैसे मेरी मर्यादित समझ है, ये जो ब्यूरोक्रेट्स है वो भी आने वाली हवा को सूंघ लेते हैं। तो आने वाले 1 साल में इनको भी लग रहा है कि कम से कम बहुत ताकतवर विपक्ष तो आ ही रहा है। तो मैं नहीं मानता कि वो बढ़कर चढ़कर जो पहले कार्यकर की तरह काम करते थे ऐसा काम करें। उनके भी पैसे कॉन्टेक्ट होते हैं अदर साइड पे। तो अभी ये आने वाले 1 साल में ये कराना चाहेंगे काफी चीजें, मगर मैं नहीं मानता कि करने की हिम्मत करेंगे, क्योंकि इनको भी कैरियर की अपनी पड़ी होती है। तो मैं नहीं मानता ये होगा।